मम्मी सब लोग पटाखे जला रहे, हमें भी जलाना है। हाँ मम्मी। बेटा अभी तुम्हारे पापा आएंगे, ढेर सारे पटाखे लाएंगे, फिर हम सब मिलकर पटाखे जलाएंगे। हाँ पापा नहीं लखन अंकल, देखो मैं की लेके आया थोड़े से। जाओ जाओ पटाखे चला, जाओ जाओ हाथ में जला लेना। अरे बुलझड़ी सुलझड़ी बम सब थोड़ी ना। और बहन जी दिवाली मुबारक हो आपको। हरी पूनम मुबारक हो बहन जी। थैंक यू। दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो जी। तेरे लखन भैया आपने कहा था वो दिवाली पे बच्चों से मिलने जरूर आएंगे। बहन जी दिवाली के दिन अगर वो अपने बच्चों को मिलने नहीं आता तो वो उसकी बदनसीबी है। आज तो लक्ष्मी पूजा है और घर की लक्ष्मी घर में। मम्मी जी आप तो इतनी समझदार है, आप नहीं समझाती इसे कुछ। बेटी क्या करूँ ये समझती नहीं। बच्चे कितने खुश हैं। और इको संभाल के। लखन भैया आप उनसे मिले थे? मिलिया सी बहन जी, लेकिन इस वक्त उस उल्लू के पट्टे के सर पे रूपाली का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा हुआ है। नशा चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो एक दिन उतरता जरूर है। बैठ जाओ बहन जी बैठ जाओ। बहन जी औरत अपने आप में इतनी ताकतवर होती है कि मर्द की उसके सामने कोई औकात ही नहीं होती। अगर वो ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। मतलब क्या है तोड़ा? देख मैं पैंजी ने दस रहा है मेरतना आजमाई। बीवी के पास इतने हथियार होते हैं कि अगर वो अपने मियाँ पर इस्तेमाल करे ना तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाए। जैसे? जैसे आपका पहला हथियार होगा आपके बच्चे। कमिंग कमिंग बाबा। उफ। आप लोग घंटी क्यों बजा रहे थे? आपको बुलाने के लिए, दरवाजा खुलवाने के लिए। अरे रे 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 रे। कहाँ घुसे चले जा रहे हो तुम लोग? हेलो कहाँ है वो? कौन? वो तेरा गुलाम। कौन बोल रही हैं आप? जो सवाल मुझे करना चाहिए वो तू कर रही है। कहाँ है वो? क्या तेरे पल्लू में छुप के बैठा है? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर तू है, मैं राइट नंबर हूँ। चल जा बुला उसे। प्रेम प्रेम पापा। अरे बच्चा पापा। कैसे हो रूपाली? ये मेरे बच्चे हैं। हेलो बोलो आंटी को। हेलो आंटी। फोन पर मुझे कोई औरत जबरदस्त गालियां दे रही है, सुनना पसंद करें? जी। हेलो बच्चे पहुंच गए? हाँ पूजा अच्छा मजाक है। बच्चों को यहाँ क्यों भेजा तुमने? तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी तो क्या पड़ोसियों के यहाँ भेजूंगी? तुम उनके बाप हो, संभालो अपने बच्चों को। मेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं, समझे? हेलो हेलो पूजा मेरी बात सुनो। हेलो फोन रख दिया। दे दो लो। ये बच्चे आज से यही रहेंगे ना? हेलो मम्मी, आंटी पापा के कमरे में सोने गई है। अच्छा बेटा तुम्हें पापा के बिना नींद नहीं आती ना? और याद रखना उस चुड़ैल के साथ पापा सोने न पाए। तुम्हें पता है ना क्या करना है? मम्मी हमें पता है क्या करना है। गुड, आई लव यू, गुड नाइट। वाओ प्रेम। अरे पता नहीं कहाँ चला गया। अरे रे रे, यहाँ क्यों चले आ रहे प्रेम? अब तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? पापा पापा हमें बहुत डर लग रहा है कमरे में, इसलिए हम आपके साथ सोएंगे। ठीक है ठीक है। मूव। देखा तुमने आंटी को नाराज कर दिया ना? पापा आपको आंटी की फिक्र है, हमारी नहीं है। नहीं मेरा बच्चा, आ जाओ सो जाओ सो जाओ मेरा बच्चा। आ गए स्कूल, आ गए स्कूल। चलो तो जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी उतरो ना, स्कूल जाओ स्कूल जाओ। पापा
लव यू। अरे भाई मैं कह दूंगा, बहुत से बात कर रहा है क्या? गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, क्लाइंट से अंदर। ला फाइल। आप हाँ क्यों नहीं सर? अरे ऑफिस के काम के अलावा मुझे बहुत सारे काम है जी सर। और सुन, मेरी नाश्ता मंगा, मुझे बहुत भूख लगी। आप नाश्ता करके नहीं आए सर? अरे नहीं कर क्या, सूली पे चढ़ाया क्या? मुझे माफ कर दे यार। नहीं, क्या है कि आप रोज नाश्ता करके आते हैं। और मेरी बात सुन, ड्राइवर को बोल के ठीक 4 बजे बच्चों को स्कूल से उठाए और उन्हें घर लेके जाए। समझ गया। ए, कौन से घर? नीली आंखें या भूरी आंखें? भूरी भूरी भूरी। 5 फुट 8 इंच। क्या है कि बहुत कंफ्यूजन है सर। अगर इसे इतना कंफ्यूजन तो मुझे कितना होगा। सेठ, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि उस उल्लू के पटे प्रेम ने रूपाली को डांटा, उसकी छड़ती ली, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। वो तो इत्तेफाक से वहां पहुंच गए थे लखन भैया और बच्चों को बचाया। अगर उसने अकेले में मेरे बच्चों को मारा तो कौन बचाएगा उन्हें? एगल भी सही, कौन बचाएगा? हाँ, पहला दूजा हथियार। दूजा हथियार? साड़ी माँ बहन जी, साड़ी माँ। ऐ हुई ना गल। लखन भैया, यू ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे माँ, तू यहाँ? बेटा, क्या बताऊँ? बहू, बहू नहीं कह सकती, उसे पूजा घर से निकाल दिया मुझे। कहने लगी, बुढ़िया, जब तेरा बेटा नहीं रहता तो तू यहाँ क्यों रह रही है? टाइगर का भी क्या हाल बना दिया बेटा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कपड़े तक नहीं लेने दिए थे, पुरानी साड़ी पहन कर आई हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पूजा इतना गिर जाएगी। अरे बेटा, कौन कब कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। राइट। बेटा कुछ पैसे दे दे, वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। नहीं माँ, तू मेरे साथ रहेगी। मेरे बच्चे हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बच्चों, तुम्हें छोड़कर और मैं कहाँ जाऊंगी, यही रहूंगी। रूपाली, रूपाली मेरी माँ है, आज से ये यहीं रहेंगी। और ये टाइगर तुम्हारी रखवाली के लिए बहुत जरूरी है। अरे ये तो बड़ी मुचड़ी है, इसकी खातिर तू पूजा को छोड़कर यहाँ है? माँ, इससे लाख गुनी अच्छी तो मेरी पूजा है। माँ, तूने आते ही बुराई करना शुरू कर दिया। अरे बेटा, मुझे इससे क्या, तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा, जहाँ बेटा वहाँ माँ। अब चाहे तू पूजा के साथ रहे या इस नकचड़ी के साथ, बेटा मुझे तो तू कमरा बता दे जहाँ मैं पड़ी रहूंगी एक कोने में। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बहू नहीं। शुक्र है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू चल मेरे साथ, तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ। मरीज डॉक्टर का कहना नहीं मानेगा तो बीमारी कैसे ठीक होगी? लखन भैया, बच्चों और माँ को भेजने तक ठीक था, लेकिन मेरा ऑफिस जाना ये मुझसे नहीं होगा। अरे इंदिरा गांधी अगर औरत होकर देश चला सकती है तो अब 2-4 दिन ऑफिस नहीं चला सकती? मैं तो कहता हूँ ये लड़ाई कार बैठ के मत लड़ो, खुली जंग का ऐलान करो, रूपाली को बोल दो किस्सा ही खत्म। पता है लखन भैया, मैंने उसे फोन पे भी डाटा था। फोन पे नहीं मेरी पोली भाभी, फोन पे नहीं, आमने सामने, फेस टू फेस, घूमते फिरते टकरा जाओ और बता दो कि तुसी बीबी नंबर 1 हो। अरे देख के दरवाजा नहीं खोलती, मेरा इतना खूबसूरत सा घर तोड़ दिया। ये घर तो सिर्फ शीशे का था, जिसके टूटने पर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। सोच, तूने तो मेरा बसा बसाया घर तोड़ दिया है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैंने आपका घर नहीं तोड़ा, प्रेम खुद चलकर मेरे पास आए थे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। पूजा, ये तेरी गलत फहमी है, प्यार वो सिर्फ मुझसे करता है। अगर आपके प्यार में इतनी शक्ति होती तो आप उन्हें पहले भी तो रोक सकती थी। ठीक कहा तुमने, तो अब तेरे प्यार में अगर इतनी ताकत है तो तू उसे रोक कर बता। प्रेमिका बनना बहुत आसान है, बीवी बनना उतना ही मुश्किल है। बहुत प्यार करती है ना तू उससे, तो अब तू उसकी माँ से भी प्यार कर, उसके बच्चों से भी प्यार कर, उसके कुत्ते से भी प्यार कर। आज से तू मेरी जिंदगी जिएगी और मैं तेरी जिंदगी।